संस्कृत हिंदी के साथ क्षेत्रीय भाषा में भी होगी आयुर्वेद की पढ़ाई। 4 के बजाय अब 3 बार ही होगी परीक्षा। नमस्कार, मैं हूं सोनिया मेनन और आप देख रहे हैं देश ऑनलाइन। अब किसी भी मान्यता प्राप्त भाषा में आयुर्वेद की पढ़ाई संभव हो सकेगी। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने 5.5 वर्षीय आयुर्वेदिक स्नातक डिग्री BAMS के लिए SC 2020 का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके तहत अब BAMS की डिग्री संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी मान्यता प्राप्त रीजनल भाषा में हो सकेगी। जल्द ही इसका गजट नोटिफिकेशन भी होकर आ जाएगा। आयुर्वेद से जुड़े लोग गजट नोटिफिकेशन के पहले अपना सुझाव भी CCMI के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को दे सकते हैं। इसे अगले सत्र में लागू किया जाएगा। मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई शुरू होने से आयुर्वेद की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को सहूलियत हो जाएगी। यानी अब आयुर्वेद की डिग्री के लिए पढ़ाई में भाषा आड़े नहीं आएगी। इसकी पुष्टि आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राकेश पांडे ने की। डॉक्टर पांडे की माने तो छात्र मान्यता प्राप्त किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन अध्यापन कर सकेंगे। नियम पहले भी था, पर क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्रों के लिए समस्या बनी रहती थी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।